तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा डौकी, हम और भी आपको दिखाते हैं डौकी का नज़ारा। इतना कुछ देख लिए आप। चले उंगले उंगले। तो देख पा रहे हैं डौकी। तो फ्रेंड्स ये है डौकी का रास्ता और हम जा रहे हैं डौकी और अभी बीच में रोके हैं, तो देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जंगल को जोड़ा है और इधर इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है। बीच में इस खाई को भर के जो है रोड बना दिया गया है ताकि हम टूरिस्ट जो है डौकी आए। साथ ही साथ आप इधर देख रहे होंगे, तो देख रहे होंगे इस रूट से कहीं नहीं, बस डौकी जाने के लिए ये रोड बनाया गया है जो कि एशिया का क्लीनेस्ट क्रिस्टल वाटर जो है इधर से ही है। तो यहाँ से हम यही रास्ते से हम डौकी जा रहे हैं और इधर हमारा गाड़ी खड़ा है, हम बाइक से ही डौकी जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि फोर व्हीलर में भी थोड़ा ज़्यादा घुमाए हैं तो बाइक ही सही लगा, ताकि हम रुक रुक के बीच में अपने व्यूअर के लिए अच्छा सा वीडियो बनाते जाएँ, इसलिए हम अपने बाइक से ही जा रहे हैं डौकी। तो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे इस प्रकार इस साइड एक पहाड़ी है जो कि पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होकर वहाँ का जितना पेड़ पौधा है वो सारा कुछ वहाँ से गिर चुका है। तो देख पा रहे होंगे सामने, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो इस प्रकार से है और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ इधर और भी किस प्रकार से है। तो ये एक व्यू पॉइंट ही है यहाँ पे बनाया हुआ है कि देखने के लिए। देख पा रहे होंगे कि जंगल के नीचे किस प्रकार से उधर घर है और किस प्रकार से देख पा रहे होंगे कितना अच्छा पे कितना अच्छा सीन है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं डौकी, तो हम आगे और भी दिखाते हैं आपको डौकी के रास्ते में और क्या कुछ होने वाला है खास और क्या क्या है अच्छा नज़ारा, तो हम दिखाते हैं आपको। Thank you.
কাছে আমার বাড়ি কিন্তু এখন দিকে পড়ছে কিন্তু এখন থাকবো এখন এথায় এখন এটা 2 সাল থাকবো এখন তা ডিউটি দিব তা এটা থাকবো কন্ট্রাক্ট জয়েন করি নাই প্রথম দিন বসে তো মজা লাগে ঠিক আছে স্যার ওকে হ্যালো ভাই একটু সাইড দিনছেন আমার একটু বড় ভাই वोटिंग करेगा क्या रविशंकर ओ सर सर दोनों का एक साथ अच्छा है ऐसा करके सर हाँ ठीक है आने का टाइम मिल जाएगा फोटो सर और इधर डोकी बोटिंग मेघालय जो कि अभी थोड़ा पानी कम है तो पानी ज़्यादा रहने से ऊपर तक होता है लेकिन अभी का मौसम जनवरी का मौसम है और जनवरी का मौसम में ही डोकी आना सही है क्योंकि अभी पानी साफ रहता है जिस कारण देखने में काफ़ी अच्छा होता है क्रिस्टल वाटर जो है क्लियर दिखाई पड़ता है इस टाइम पर तो देख पा रहे हैं किस प्रकार से टूरिस्ट आ रहे हैं थोड़ा वहां जाके ले ले वीडियो एक वहाँ पर तुम गाड़ी के पास रहो माते देख पा रहे होंगे क्रिस्टल वाटर किस प्रकार से क्लीन दिखाई पड़ रहा है जो कि नीचे पूरा पत्थर दिखाई पड़ रहा है तो यही है क्रिस्टल वाटर डोकी जो कि इसी को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं देख रहे होंगे एक छोटे बच्चे भी नाव पे है जो बहुत बढ़िया से मज़ा ले रहा है साथ ही साथ इधर एक हस्बैंड वाइफ या फिर जो भी बोला जाए कपल इस तरह का भी है सीन यहाँ पे देखने लायक देख रहे होंगे इधर भी ड्यूटी लगाया क्या अच्छा बोट वाले हो देख रहे होंगे इधर BSF की बोट है क्या अच्छा इधर कुछ हादसा ना हो इसलिए भी इधर ड्यूटी में लगाया गया इनको क्योंकि लोग दूर से आते हैं और अगर किसी प्रकार का हादसा हो जाए तो बदनामी है इसलिए भी काफ़ी
यहाँ पे सेफ्टी से सब कुछ किया जाता है। तो और भी हम आपको आगे दिखाते हैं। देख रहे हैं लगातार दो बोट निकल रही है। क्रिस्टल वाटर का मजा लेते हुए ये तो खैर गलत है नाव में खड़ा होना, क्योंकि उसमें बैलेंस डगमगा जाता है, लेकिन ओवर स्मार्ट दिखा के वो खतरे मोल में ले रहा है वो बंदा। से आए इधर घूमने, एक मिनट रुके भैया, थोड़ा बताइएगा कहाँ से आए। हमें नहीं पता। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। हम लोग अपनी कैब करके आए। लोकल्स लोग भी हैं जो दो तीन बार ट्रैवल करते हैं। शिलोंग, शिलोंग तो देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से है डोकी का नज़ारा। पीछे देख रहे होंगे किस प्रकार से दिख रहा है। तो देख पा रहे होंगे और भी जो पीछे जो भीड़ दिख रहा है वो है बांग्लादेश का भीड़, और बीच में जो पत्थर का वो लगा था बाउंड्री, उससे इधर इंडिया है। तो फाइनली हमने डौकी नदी भी देख लिया और बांग्लादेश का भी दिखा दिया मैंने आपको। तो अब हम चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो देख पा रहे होंगे पत्थर काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। आज मेरे सामने एक हादसा हुआ, एक पैर फंसने कारण गिर गया और जो पत्थर है सामने उस पत्थर से उनको सिर पे चोट लग गई, जिस कारण बंदे को काफ़ी तकलीफ हुई। तो इस प्रकार से है यहाँ, काफ़ी सेफ्टी से सब कुछ यहाँ पे घूमना फिरना और इन्जॉय किया जाता है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे चाय वाय का भी मज़ा है, टी मैगी है इधर व्यवस्था। तो फाइनली हमने डौकी देख लिया, अब हम आगे की ओर देखते हैं। देखें पेड़ कितना कितना बढ़िया से इधर पेड़ है। मोबाइल
तो इधर जो टूरिस्ट आते हैं इधर ही गाड़ी खड़ा करते हैं और हम आपको ऊपर से एक बार नज़ारा दिखाते हैं ऊपर से किस प्रकार दिखता है। तो ये है डौकी, ऊपर से इस प्रकार से नज़ारा दिखता है। मैं यहाँ आने पे एक लगता है कि कितना बढ़िया है और कितना सही जगह है, जो कि भारत और इंडिया का जो मित्रता है तो ये मित्रता जो है यहीं पे देखने को मिलती है। किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है, कोई फेंसिंग वायर का नहीं है और यहाँ पे आप दोनों तरफ के लोगों से मिल के सेल्फी ले सकते हो और भी एक दूसरे से मिल सकते हो, गले मिल सकते हो। इस प्रकार से काफ़ी यहाँ पे सुविधा है और बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे देखिए ऊपर से नदी इस प्रकार दिखता है, जो कि यही वाटर को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट आया और अगर आप डौकी नहीं घुमा तो क्या घुमा आप, ऐसे कहा जाता है। डौकी और चेरापूंजी दो है जो कि दो बहुत नामी है, ये दो जगह घूमना काफ़ी नामी है यहाँ का और वाकई में ये देखने लायक है भी। डौकी विलेज तो इस प्रकार से रहा दोस्त यहाँ का। स्पीड बोट से किसी प्रकार का यहाँ कोई हादसा ना हो तो इसलिए ये सेफ्टी के लिए BSF के पास ये स्पीड बोट उनको दिया गया है। साथ ही साथ उनका बगल में देखे होंगे नॉर्मल बोट जो है जिसका 800 रुपया किराया है, वो नॉर्मल बोट भी वो बगल से जा रहा है। और सामने जो देख पा रहे होंगे ये लोहे का ब्रिज, यही ब्रिज है जो कि आपको ब्रिज पार करके ये बांग्लादेश आना पड़ता है। और इस सामने से ये थोड़ा इंडिया का सीमा बचा है जो मैं दिखाता हूँ ब्लॉक में आप लोग को, तो उस प्रकार उधर है। तो ये ब्रिज है दोस्तों जो पूरी तरह लोहा से बना हुआ है और ये अंग्रेज ज़माने में ही ये बन के तैयार हुआ था और उस टाइम से ये बना हुआ है और उस टाइम से चल रहा है। तो दोस्त अब फ्रेंड्स हम आगे अब देखते हैं